हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आलीशा गार्डनिंग में। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपका तहे दिल से शुक्रिया कि आलीशा गार्डनिंग फैमिली में 100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो गए हैं और आप ऐसे ही मेरे वीडियोस को लाइक करते रहिए, सपोर्ट देते रहिए, तो मैं आगे भी आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियोस प्लांट के बारे में लेके आती रहूँगी और आपको जितनी नॉलेज है मैं आपको बताती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे और आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट के बारे में जो मैं आज आपके लाई हूँ। ये है मोगरे का प्लांट। देखिए, इसमें ये फ्लावरिंग हो चुकी है। अब ये फ्लावर्स जो हैं ये गिर जाएंगे और इसके बाद नए फ्लावर आएंगे। लेकिन ये मोगरे में प्लांट जो है, इसमें फ्लावर इतने आराम से नहीं आते हैं। हम सब लोग क्या सोचते हैं कि प्लांट में फ्लावर आ गया है, अब ये झड़ जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट आना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मोगरे का प्लांट है, ये इतने आराम से कैसे काबू में आएगा? तो फ्रेंड्स, इसके लिए पहले हमें कुछ काम करना पड़ता है ताकि जितना ये फ्लावर आया है इससे भी ज़्यादा और घना फ्लावर हमें मिले। तो चलिए, सबसे पहले इसके कुछ केयर करते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें प्लांट की थोड़ी सी प्रूनिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए, क्योंकि जब प्लांट एक बार फ्लावरिंग कर देता है, उसके बाद प्लांट अपनी ग्रोथ बढ़ाने में लग जाता है और फ्लावरिंग को बंद कर देता है। इसीलिए हमें पहले थोड़ी सी प्रूनिंग करनी पड़ेगी और ये पत्तियां जो हैं उसको हटाना पड़ेगा। जब ऐसा हम कर देंगे तो प्लांट फिर से नई ग्रोथ करेगा और नए नए फ्लावर जो है और घने फ्लावर, ढेर सारे फ्लावरिंग देगा। तो फ्रेंड्स, ये इसका पहला काम था। अब आगे का आप दिखाती हूँ। इसके बाद हमें सबसे पहले, उसके बाद हम थोड़ी सी गुड़ाई करेंगे, ये इसलिए ज़रूरी है, और इसकी मिट्टी आसपास की साफ सफाई कर देंगे ताकि जब हम कोई भी प्लांट की कटिंग करते हैं तो उसमें हमें फर्टिलाइज़र भी या खाद जो कहते हैं वो भी देना ज़रूरी होता है, तभी उसमें अच्छी सी ग्रोथ होती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी तरफ सफाई कर दी है ये, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें मैं क्या चीज़ डालूँगी। तो देखिए, वो है, ये है सरसों की खली और DAP। सरसों की खली को आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देती हूँ। जो मस्टर्ड ऑयल होता है वो इसी से ही निकलता है, यानी मस्टर्ड के जो बीज होते हैं उसको मशीनों से क्रश किया जाता है और उसमें से तेल निकलता है। उसके बाद जो बीज पीछे जो बचता है तो उसको सरसों की खली कहा जाता है, जो वेस्ट चीज़ निकलती है, लेकिन वो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो इसको हम दो तरीके से इस्तेमाल कर, बहुत से तरीके हैं वैसे तो, हम इसका लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में ये पाउडर के तौर पे मिल जाता है और ये ऐसे पीसेस में मिलता है। आप घर में लाके जैसे भी आपको आराम मिले आप उस टाइप उस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये पीस में पड़ा था, मैंने इसको थोड़ा सा क्रश करके पाउडर बना लिया है। और दूसरी चीज़ है, ये है DAP। DAP यानी इसमें नाइट्रोजन की तादाद ज़्यादा होती है, ठीक है, और इसमें फास्फोरस जो होता है वो फूलों को बढ़ाने में, बड़ा करने में काम आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको देखते हैं कि हम उसका कैसा इस्तेमाल करते हैं। इसको हम थोड़ा थोड़ा आपस में मिला लेंगे। चार हिस्से इसमें सरसों की खली के होने चाहिए और एक हिस्सा हमें DAP का डालना है। तो हमें ज़्यादा नहीं डालना है, ये देखिए लगभग एक चम्मच आप इसमें ले लीजिए, क्योंकि जितने पेड़ हैं उतने है, मुझे दो पेड़ों में डालना है। देखिए, और मैं इसको इस तरीके से पेड़ के आसपास डाल दूंगी और इसको अच्छे से
कवर कर दूंगी। इसके बाद आपको एक महीने तक कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं है, इसमें भर भर के मोगरे के फूल आएंगे। ऐसे ही मैं दूसरे वाले देखिए इसका मैं और इसको मैं इस टाइप से इसमें डाल दूंगी और इसके ऊपर ये मिट्टी डाल दी। देखिए इसकी कटिंग मैंने आपको दिखाने के चक्कर में नहीं करी थी, वो भी मैं अब आपके सामने एक कर दे रही हूँ ताकि इसमें भी ढेर सारे फूल आएंगे और ये भी और घना हो जाएगा। मोगरे और लगभग पूरे साल फूल आते हैं, बस ठंड के 2-3 महीने छोड़ के अभी 2 महीने और लगातार 3 महीने फूल आएगा और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और शेयर तो और सब्सक्राइब तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरे वीडियोस बहुत देखे जा लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, लेकिन प्लीज़ उनको वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। और साथ साथ देखिए मैंने इसमें पानी भी डाल दिया है। फिर अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।